क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से सम्मिलित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के ये कुछ अक्षर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से हमें सम्मिलित अक्षरों को चुनना है। तो देखिए सम्मिलित अक्षर मतलब जिसका कि बायां हिस्सा या दायां हिस्सा क्या हो, एक जैसा हो, या ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक जैसा हो। तो कोई एक में, कोई कोई में देखिए बायां हिस्सा और दायां हिस्सा बराबर एक जैसा होगा, या कोई अक्षर में दोनों हिस्सा बराबर होगा, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आधा से, ठीक है, या बायां हिस्सा या दायां हिस्सा। तो देखिए कौन कौन है, तो ए है देखिए डब्लू। डब्लू में अगर हम देखिए इस तरह से हम बीच से एक सममित अक्ष खींच लें, तो बायां हिस्सा और दायां हिस्सा क्या है, एक जैसा लग रहा है, ठीक है। देखिए यहां से अगर हम एक सममित अक्ष खींच लें, यहां से देखिए बीच से एकदम, तो क्या होगा, ये दोनों हिस्सा क्या होगा, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा है, तो ये सममित अक्षर हुआ, तो ए हुआ, पहला ए आंसर होगा। अब बी में देखिए, बी में तो बायां हिस्सा भी अगर हम बीच से एक अक्ष बना लें, तो ऊपर का हिस्सा भी एक जैसा है और नीचे का हिस्सा भी दोनों एक ही जैसा है। अगर इस तरह भी अक्ष बना लें, देखिए एक पड़ी रेखाएं एक खड़ी रेखाएं, तो खड़ी रेखाएं भी खींच लें, तो बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा है, तो ये भी होगा सममित अक्षर। अब ए में देखिए, तो ए में ऊपर का हिस्सा बीच से अलग है और नीचे का हिस्सा अलग है, लेकिन बायां हिस्सा और दायां हिस्सा क्या है, एक जैसा है। देखिए अगर हम इस तरह से एक सममित अक्ष बना लें, तो बायां हिस्सा और दायां हिस्सा क्या है, एक जैसा है, तो ये भी सममित अक्षर हुआ। अब जे में देखिए, जे में हम खड़ी रेखाएं भी बना लें और पड़ी रेखाएं भी, तो ना तो बायां हिस्सा एक जैसा है, ना दायां हिस्सा, ना ही ऊपर हिस्सा एक जैसा है, ना ही नीचे का हिस्सा, तो ये डी नहीं होगा सममित अक्षर, यानी जे नहीं होगा, ठीक है। अब ई में देखिए, ई में हो सकता है ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या है, एक जैसा है, देखिए तो ये सममित अक्षर हुआ, क्योंकि ऊपर का हिस्सा आधा से और आधा से नीचे का हिस्सा एक जैसा है, तो ये सम्मिलित अक्षर हुआ, तो ई हो जाएगा, यानी इसमें हम टिक लगाएंगे। अब देखिए एफ में, एफ में देखिए, ई में पहले देखते हैं, इसमें देखिए बायां हिस्सा और दायां हिस्सा अलग अलग है, इसलिए इस तरह का रेखा नहीं होगा इसमें सिर्फ, तो बस हमको सम्मिलित अक्षर चुनना है, या तो बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा हो, या ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा एक जैसा हो, ठीक है। तो कोई एक हिस्सा भी एक जैसा होगा तो सम्मिलित अक्षर होगा। भी में देखिए, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा क्या है, एक जैसा, इस तरह से अगर हम सममित अक्ष बनाए, तो देखिए बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा है, तो एफ भी होगा। अब एन में देखिए, एन में ना तो ऊपर का हिस्सा एक जैसा है आधा से, और ना ही नीचे का हिस्सा एक जैसा, दोनों है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आधा से, ना ही देखिए बराबर एक जैसा नहीं दिख रहा है देखने में ही, और ना ही बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा है बीच से, तो ये सममित अक्षर नहीं होगा। अब देखिए जेड में, तो जेड में भी देखिए ना ही ऊपर का हिस्सा बीच से और ना ही नीचे का हिस्सा बीच से एक जैसा है, और ना ही बायां हिस्सा और ना ही दायां हिस्सा एक जैसा है, तो एच भी नहीं होगा सममित अक्षर में। बाई में देखिए, बाई में हो सकता है कैसे होगा, तो देखिए इसमें अगर हम बीच से एक अक्ष बना लें इस तरह से, देखिए तो क्या होगा, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा है, ठीक है, तो आई में भी हम टिक लगा लेंगे। एस में देखिए, इसमें भी ना तो ऊपर का हिस्सा आधा से और ना ही नीचे का हिस्सा आधा से एक जैसा है, और ना ही बायां हिस्सा एक जैसा है दायां हिस्सा के बीच से, तो ये नहीं होगा। यानी कौन कौन आंसर होगा, देखिए 11 में हम आंसर लिखेंगे ए बी सी ई एफ और आई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 में हल कर लेंगे। देखिए हम जो सममित अक्ष बनाए हैं यहाँ पे, उसको नहीं बनाना है आपको, बस चुन लेना है ऐसे ही, बस हम समझाने के लिए इस तरह रेखा हम बना करके बस बताए थे, बस आपको बस लिख देना ए बी सी ई एफ आई। अब क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई आकृतियों में से सममित आकृतियों को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए सममित आकृति यानी जिसका बायां हिस्सा दायां हिस्सा बीच से एक जैसा हो, या ऊपर का हिस्सा या नीचे का हिस्सा एक जैसा हो बीच से, तो वही सममित आकृति होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन होगा, ए होगा, कैसे ये होगा, देखिए अगर हम
इस तरह एक सममित अक्ष बनाएं। देखिए ये सिर्फ हम समझाने के लिए बना रहे हैं, तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक जैसा है बिल्कुल। और देखिए तो कोई एक भी, ठीक है, कोई एक अक्ष भी मतलब बना लेंगे तो हो जाएगा वो सममित आकृति। ठीक है, बी में देखिए, तो बी में भी या तो इधर का अक्ष लें या इधर का, बात बराबर ही है दोनों। बायां तरफ भी एक जैसा है, इसमें भी देखिए दायां बायां तरफ भी एक, बायां तरफ का हिस्सा आधा से और दायां तरफ का हिस्सा भी एक जैसा ही है। ठीक है, तो ये सममित आकृति होगा। इसमें भी ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा बीच से एक जैसा है और बायां हिस्सा दायां हिस्सा एक जैसा है, तो ये सममित आकृति हुआ। सी में देखिए, सी में भी ऊपर का हिस्सा आधा से और नीचे का हिस्सा एक जैसा तो नहीं है, लेकिन बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा है। देखिए अगर बीच से हम एक अक्ष बना लें तो बायां हिस्सा दायां हिस्सा क्या है, एक जैसा है, तो ये सममित आकृति हुआ। ठीक है, डी में, तो डी में ना तो ऊपर का हिस्सा और ना ही बीच से नीचे का हिस्सा एक जैसा है, ना ही बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा, तो डी नहीं होगा, तो डी में हम टिक नहीं लगाएंगे। अब ई में देखिए, देखिए टिक नहीं लगाना है, बस आपको चुन करके कॉपी में लिख देना है, तो ए बी सी हुआ। अभी ये तो हम बस समझाने के लिए यहाँ पर टिक लगाते जा रहे हैं। ई में देखिए, ई में ऊपर का हिस्सा आधा से और नीचे का हिस्सा आधा से एक जैसा नहीं है, देखिए ऊपर में तो मुंह है, नीचे देखिए अलग अलग है। ठीक है, लेकिन बायां हिस्सा और दायां हिस्सा क्या है, एक जैसा है। देखिए अगर इस तरह से अक्ष बना लें तो बायां हिस्सा और दायां हिस्सा एक जैसा है, तो ये होगा सममित आकृति। अब एफ में देखिए, एफ में ऊपर का हिस्सा और आधा से नीचे का हिस्सा अलग अलग है, देखिए यहाँ पे इस तरह का दे दिया है डिजाइन, तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा तो एक जैसा नहीं है, लेकिन बायां हिस्सा और दायां हिस्सा क्या है, एक जैसा है। इस तरह से अगर अक्ष बना ले तो क्या होगा, बायां हिस्सा दायां हिस्सा एक जैसा दिख रहा है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, सममित आकृति हुआ। जी में भी देखिए, जी में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या है, एक जैसा है। ठीक है, और इधर भी बाया दाया हिस्सा और बाया हिस्सा भी एक जैसा है, तो ये क्या हुआ, सममित आकृति। तो कोई एक तरफ भी हमको देख लेना, या तो ऊपर देख लें या ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा देख लें, या बाया या दाया हिस्सा देख लें। ठीक है, अब देखिए एच में, तो एच में देखिए ऊपर का हिस्सा अलग है और नीचे का हिस्सा अलग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इधर हुआ, इधर डिजाइन इस तरह का नहीं है, तो बायां हिस्सा दायां हिस्सा भी एक जैसा नहीं लग रहा है, ना ही ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, तो एच नहीं हुआ। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे देखिए कॉपी में, ए बी सी ई एफ जी। ठीक है, सममित आकृति में बस हम इसका आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से प्रश्नमाला कौन था, ये 10A समाप्त हुआ। देखिए प्रश्नमाला 10A।